नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और हमारा जो आज का वर्ड का टॉपिक है, हम करेंगे लेआउट मेन्यू। अगर हम लेआउट मेन्यू की बात करते हैं तो ये आपका पेज सेटअप से रिलेटेड मेन्यू है, जिसमें हम पेज को प्रिंट के लिए अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे सेट करते हैं। जैसे मैं अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी टेक्स्ट लिख देता हूँ, तो मैंने यहाँ कुछ भी टेक्स्ट लिख दिया। अब आप देखिए, जो मेरा पेज है वो दो पेजेस के ऊपर चला गया। तो कई बार मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी हो जाती है कि मुझे मार्जिन वगैरह अपने बेस पर सेट करना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर साइज़ की। अगर हम पेपर साइज़ की बात करते हैं तो आपके पास अलग अलग साइज़ के पेपर्स आपके लिए अवेलेबल हैं। आप किसी भी साइज़ के पेपर को यूज़ कर सकते हो। बेसिकली अगर हम किसी कोर्ट केस वगैरह के पेपर्स की बात करते हैं तो उसको हम हमेशा लीगल साइज़ के ऊपर प्रिंट लेते हैं, और नॉर्मली हम A4 साइज़ का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ लीगल। जैसे मैं लीगल साइज़ के पेपर को यूज़ करूँगा तो जो मेरा डॉक्यूमेंट है वो लीगल साइज़ के बेस पे काम करेगा। जैसे अभी आप देख रहे थे कि पहले जो मेरा डॉक्यूमेंट है वो एक ही पेज के ऊपर आ रहा था, सॉरी दो पेजों के ऊपर आ रहा था, लेकिन लीगल होते ही उसने एक पेज के ऊपर उसको परफॉर्म कर दिया। क्यों? क्योंकि जो लीगल का साइज़ है वो है 8.5x11 का, और जो A4 का साइज है वो है 8.27x11.69 का। यानी कि जो आपका लेटर सॉरी लीगल साइज है, लीगल साइज में आपके पास क्या है कि आपके पेज की विड्थ ज़्यादा है, और जो A4 का साइज है उसमें आपके पेज की हाइट ज़्यादा है। तो विड्थ के अकॉर्डिंग इसने इसको एडजस्ट किया। तो लीगल साइज में आपका जो पेपर है वो एक पेज के ऊपर आ गया। अगर हम A4 की बात करते हैं तो A4 के अंदर हम जब यूज़ करते हैं तो वही चीज़ आपकी दो कॉलम्स के अंदर आपको दो पेजेस के अंदर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मार्जिन, कई बार क्या होता है कि आपको मार्जिन अपने बेस पर चाहिए होता है। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में मार्जिन लिया, लास्ट कस्टम सेकेंड, कि जो मेरे सिस्टम में प्रीवियस सेटिंग सेट हो उसके हिसाब से वर्किंग को परफॉर्म करे। तो उसमें मेरा टॉप भी जीरो था, बॉटम भी जीरो था, लेफ्ट भी जीरो था, राइट भी जीरो था। तो मेरा डॉक्यूमेंट कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है। बेसिकली ऐसी रिक्वायरमेंट हमें उस केस में पड़ जाती है अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पर इमेजेस वगैरह को यूज़ करना चाहते हैं और फुल पेज पर हम इमेज को शो करना चाहते हैं, कि आपको बैकग्राउंड ना डिस्प्ले हो, सिर्फ इमेजेस ही डिस्प्ले हो। इसी तरह से अगर हम नॉर्मल की बात करते हैं तो नॉर्मल में आपका सभी का मार्जिन एक एक का रहता है, चाहे वो टॉप हो, बॉटम हो, लेफ्ट हो या राइट हो। इसी तरह से नैरो 0.55 में जाएगा। आप मॉडुलेट को यूज़ कर सकते हो जहाँ पर टॉप और बॉटम 1:1 है और लेफ्ट और राइट आपके पास 0.75 है। इसी तरह से वाइड के अंदर टॉप 1, बॉटम 1, लेफ्ट 2, राइट 2, ये कुछ इस तरह से आपको वर्किंग को परफॉर्म करता है। तो ये ऑफिस 3 डिफॉल्ट है, जिसमें टॉप 1, बॉटम 1, लेफ्ट 1.25 और राइट 2.5, ऑफिस 2003 के अंदर मार्जिन की ये सेटिंग चला करती थी। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट आता है ओरिएंटेशन। अब हमें कई बार ये रिक्वायरमेंट हो जाती है कि पेज हमें कैसा चाहिए, क्या हमें पोर्ट्रेट में चाहिए या लैंडस्केप में। ये लैंडस्केप है, इसमें आप देखिए हाइट कम है, विड्थ ज़्यादा है। और अगर आप पोर्ट्रेट की बात करोगे तो विड्थ कम होगी, हाइट ज़्यादा होगी। आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा यूज़ करना चाहते हो। इसी तरह से कॉलम्स, आपने देखा कई बार न्यूज़पेपर के अंदर आप इस चीज़ का यूज़ करते हो कि आपके पास एक इन्फॉर्मेशन पहले एक तरफ चल रही है, फिर दूसरी तरफ आ रही है, फिर तीसरी तरफ आ रही है। तो हम अपने हिसाब से कॉलम्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने 3 कॉलम्स में डिवाइड किया तो मेरी वर्किंग 3 कॉलम्स के अंदर डिवाइड हो गई। अब मैं कोई भी काम परफॉर्म करना शुरू करूँ तो वो कॉलम्स के अंदर ही वर्किंग को रिप्रेजेंट करता है। आप अपनी मर्जी से कॉलम्स को कम ज़्यादा भी कर सकते हो। मोर कॉलम्स पे जाइए, आप कहते हो कि मुझे 3 नहीं, मुझे तो 7 कॉलम चाहिए थे, ओके।
तो अब आपकी वर्किंग जो है वो 7 कॉलम्स के अंदर डिवाइड हो गई। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप इसको यूज कर सकते हैं। इक्वल कॉलम विड्थ, कभी इक्वल यूज कर रहा है, मैं कहता हूँ किसी कॉलम की कम हो किसी की ज़्यादा हो, तो आप यहाँ पर दे सकते हो कि आपको किस कॉलम की कितनी विड्थ चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आपको सारे डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई करना है या सिर्फ एक स्पेसिफिक पेज के ऊपर करना है, तो आप यहाँ से दिस पॉइंट फॉरवर्ड करोगे तो वो स्पेसिफिक पेज के ऊपर वर्किंग को परफॉर्म करेगा, अदरवाइज आपकी सारी वर्किंग जो है वो ओवरऑल पेज पर अलग होगी। तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर ब्रेक का ऑप्शन है। ब्रेक का ऑप्शन थोड़ा सा डिटेल में आता है, तो इसको मैं आपको वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। हम ले लेते हैं यहाँ पर आपके पास लाइन नंबर, हर पर्टिकुलर लाइन को एक नंबर प्रोवाइड करना। तो जैसे मैं कंटिन्यू करता हूँ, जैसे जैसे आपकी लाइन्स आगे जाती रहेंगी आपके पास पेज नंबर भी इंक्रीज होते रहेंगे। ये देखिए, तो दोस्तों हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।